मॉर्निंग, अरे इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है मनाली में हमारा डे नंबर 3। तो कल काफ़ी ज़्यादा लाइट का इशू हो रहा था, बार बार लाइट जा रही थी, तो बाकी का व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो डिनर वगैरह मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो बस कल हम डिनर करने के बाद थोड़ा सा हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया साथ में, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो आज है मनाली पे हमारा डे नंबर 3, और आज के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सोलांग वैली, और बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्नो तो है चारों तरफ, मगर सूरज निकला हुआ है, बहुत अच्छी धूप आई हुई है, तो शायद आज गाड़ियाँ जा सकती है सोलांग वैली की तरफ। तो आज होपफुली हम सोलांग वैली जा पाए। तो वेदर बहुत अच्छा है आज का, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उस वाली विंडो से बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है। तो काफ़ी अच्छा वेदर है आज का, कितना बड़ा सन निकला हुआ है, बहुत अच्छी धूप है, बर्फ तो अभी भी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मगर साथ में सूरज निकला हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा। ओह गॉड, क्या व्यू है, इस होटल से व्यू बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ खा पी ले, और फिर उसके बाद हमें सारा दिन बाहर रहना है। लंच भी हम लोग बाहर ही करेंगे, तो जो भी एक्टिविटी आज हम करेंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी सबसे पहले नाश्ता करिए आते हैं। तो अब हम आ गए हैं नीचे डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने के लिए। आज का नाश्ता भी काफ़ी ज़्यादा लाइट और काफ़ी टेस्टी था। आज के नाश्ते में था जैम ब्रेड, बटर ब्रेड, मैक्रोनी, आलू की सब्ज़ी, पूरी और गर्मा गर्म चाय। तो खाना एज़ यूज़ुअल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में मेंशन किया है मनाली की वीडियोज़ में कि मुझे यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ के शेफ़ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और उससे भी ज़्यादा वो बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। तो कभी भी अगर आप मनाली आओ तो यहाँ का खाना एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मैं तो दिल्ली जाकर इनका खाना बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ जाके मुझे ही बनाना है, इतने प्यार से मुझे वहाँ कौन खिलाएगा। तो हम लोगों ने अपना खाना ले लिया है, और बच्चे नाश्ता नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो बाहर ही कुछ खाना चाहते हैं। तो जल्दी से हम लोग खाना खाकर मॉल रोड के लिए निकलते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज है हमारा मनाली में डे नंबर 3, और आज हम जाने वाले हैं सोलांग वैली, मगर हमारे ड्राइवर साहब हमें ले के नहीं जा रहे हैं। बाहर से कुछ अरेंज करेंगे। हाँ, तो बाहर से ही हम कुछ अरेंज करेंगे। अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड पे, वहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हमें कोई व्हीकल मिल जाए। आज वैसे वेदर काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, काफ़ी क्लीन है, धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि आज नहीं जा पाएंगे, ट्रैफिक जाम है। तो देखते हैं, कुछ अरेंज करते हैं, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है, सॉरी आज हमारी लास्ट नाइट है, तो आज हमें जाना ही है सोलांग वैली। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड है, सब लोग रेडी होके बैठे हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। कपड़े भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कैजुअल रखे हैं, क्योंकि स्नो एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके हिसाब से, और चलना भी काफ़ी पड़ सकता है, तो इसलिए। तो बस यही था, तो अब जैसे भी होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी के लिए हम निकल रहे हैं मॉल रोड पर। तो इस बार हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि हमें घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही रिंकू भैया मिल गए, और ये हमें सोलांग वैली ले जाने के लिए तैयार हो गए। तो इन्होंने हमें सीक्रेट रास्तों से निकाल कर बहुत जल्दी सोलांग वैली पहुँचा दिया, और काफ़ी अच्छे से पूरा सोलांग वैली का हमें टूर कराया, काफ़ी रीज़नेबल पैकेज भी दिलाया, और बच्चों को भी संभालने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो इस वीडियो के थ्रू उन्हें बहुत सारा थैंक यू। तो मेन रोड से जाने के बजाय इन्होंने हमें सीक्रेट रास्तों से किसी छोटे से गाँव में से सोलांग वैली पहुँचाया था, और यहाँ के नज़ारे और यहाँ के रोड्स इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि हम लोग इसी के अंदर खो गए। बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ही ज़्यादा, और बर्फ़ के साथ तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर था कि हम इसी में बस खो गए। तो रास्ते में हमें ये अंकल और आंटी मिले जो मेरे पास पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। इनको रिंकू भैया ने लिफ्ट दी थी, ये लोग इसी गाँव में रहते थे, आपस में ये लोग भाई बहन थे।
तो इस गांव के बारे में भी इन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई, अपनी फैमिली के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में बहुत सारी हम लोगों ने बातें की, काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गए थे इनको मिलकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जैसे हम लोग पहली बार मिले हैं। काफ़ी अच्छी वाइब्स थी और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। यहाँ पर हमें जितने भी लोग मिले थे सारे इसी तरीके से हमसे मिले थे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। तो यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा भोले भाले हैं। बहुत मज़ा आया इनसे मिल के। तो बस इसी तरह बातें करते हुए, नए नए लोगों से मिलते हुए और सफ़र का और नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग कब सोलांग वैली पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला। और वो कहते हैं ना कि मंजिल पर पहुँचने से ज़्यादा सफ़र का मज़ा होता है, तो बस सफ़र का मज़ा लेते हुए हम लोग सोलांग वैली पहुँच गए। तो अभी हम आए हैं अपने स्नो के आउटफिट लेने के लिए। तो अभी स्नो बूट्स, ग्लव्स सोलांग वैली पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें वो सूट चाहिए होगा, तो वही हम लोग लेने के लिए आए हैं। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जूते खोलो, जूते अभी तो बैठो। बुद्धू तुम अपने इतने उतार लो, अपने उतार लो। वॉशरूम होगा यहाँ पे? नहीं जी, आगे मिल जाएगा। आगे मिल जाएगा। आप लोगों को बुलंद चौक चाहिए, वो सेल में है, ले लेना अगर चाहिए तो। अगर आपने सर पतला पहना है तो आप ले सकते हैं। ग्लव्स भी सेल में हमारे। फटाफट सारे शूज निकालो, मैं कपड़ा दूँ, आप घुसो फिर उसमें। तो स्नो में एक्टिविटीज़ करने के लिए ये सूट पहनना कंपलसरी होता है। तो सोलांग वैली के जस्ट पास ही ये वाली शॉप थी, हम लोगों ने यहाँ से अपने स्नो सूट खरीदे थे। तो यहाँ पर आपको जंप सूट के अलावा जूते भी मिलते हैं, जूते भी यही लोग प्रोवाइड करते हैं। ये 250 रुपीज़ का पूरा आउटफिट था। इसके अलावा अगर आपको ग्लव्स लेने हैं तो वो आपको सेपरेटली 100 रुपीज़ के चार्ज करते हैं। तो बच्चे हो गए हैं रेडी। कृष्णा देखो आगे हो जाओ थोड़ा ना, गाड़ी आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना। तो हमने अपने स्नो के आउटफिट पहन लिए हैं। इतनी ज्यादा यहाँ पर ठंडी, तो हम लोगों ने अपने स्नो के आउटफिट पहन लिए हैं। स्नो में एक्टिविटी करेंगे वो वाले आउटफिट्स, मगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडे, इतनी ज़्यादा ठंडे कि मुझे कानों से सुनाई भी नहीं दे रहा है ठीक से। मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, मगर बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। तो अपने लाइफ में से कुछ पल निकाल के आप लोग ज़रूर यहाँ पर आओ और देखो, ये है असली खूबसूरती, ये है असली लाइफ। तो विजिट ज़रूर करना। कितनी जाना जाओ, हम तो यही रहेंगे। बिना गड्ढे भी हो सकते तो ज्यादा आगे बच जाओ। मैं भी आऊंगी। आ जाओ आ जाओ, इसी बर्फ में बैठ, बर्फ में बैठ, अंदर भी जाइए। सिद्धांत नहीं दिखा आप। आ जाओ भी बाहर आ जाओ। अब ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? Thank you.
सोलैंग वैली पहुँच चुके हैं। और ये जो सूट हमने लिया था ये 250 रुपीज़ का था। इसके अंदर ये पूरा आउटफिट है, जंप सूट है, वूलन है, इसके साथ में जूते हैं दो सेकेंड, और ग्लव्स हमें सेपरेटली 100 रुपीज़ के लेने पड़े। तो ये पूरा आउटफिट 250 रुपीज़ का है। और आपको नीचे से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ ऊपर सोलैंग वैली से भी ले सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, तो उसका पैकेज कितने का पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, मगर पैकेज लेते हैं तो वो थोड़ा रीज़नेबल पड़ जाता है। तो हमारे जो गाइड हैं उनके थ्रू हम पैकेज बुक कर रहे हैं, तो उसके एक्सपेंसेस क्या है वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है? तो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अब हम करने वाले हैं ट्यूब राइड। तो बेसिकली मुझे ये टायर में बिठाकर ऊपर से धक्का देने वाले हैं और हम लोग इसे इंजॉय करने वाले हैं। तो लेट्स गो। बस ऐसे बैठना, उठना नहीं। इधर देखो ना, कुतुकी पापा, हाथ खोलो, दूसरा भी हाथ खोलो, खुला करो, ये ओके, इसको कराएंगे एक बार और। ये चिल्लाओ जोर से, ये अटक गए, इधर धक्का दो। ये अटक गए, देखा मूड में लेके नहीं करते तो यही होता है। दोबारा से दो धक्का, लाओ फोन मुझे दो, धक्का दो इन्हें, लेके जाओ इन्हें नीचे तक फेंको इन्हें, तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। Oh,
जस्ट अभी हमने जिप लाइनिंग की है और बहुत सारा मज़ा आया, बहुत सारा। उसकी रिकॉर्डिंग गोप्रो में की हमने, तो वो उसकी फुटेज अभी हम ले रहे हैं और हम जिप लाइनिंग करने के बाद जा रहे हैं नीचे। अब हम जाएंगे दूसरी एक्टिविटीज़ करने। जिप लाइनिंग में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सच में लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे लगा मैं अब गिर जाऊँगी। अपने वेट को लेकर इतनी ज़्यादा मैं कॉन्शियस थी कि नहीं करना, मुझे नहीं करना, मगर टोटली वर्थ है। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। ये तुम तो इंजॉय नहीं कर रहे बिल्कुल भी। अभी तो मैं यहाँ भैंसे पे भी बिठाऊंगी। हाँ, फिर स्ले पॉइंट को तुम भी वीडियो दिखाना, है ना? पापा आ रहे, वो रिकॉर्डिंग ले रहे फोन में। मैगी पॉइंट, पहाड़ों वाली मैगी। किस किस को खानी है पहाड़ों वाली मैगी? बाहर खाएंगे सीन करते करते। अच्छा, लेटो। हाँ जी, बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आ गया। कितना मजा आया? थोड़ा मजा, ज्यादा मजा या सुपर मजा? सुपर मजा। तो रेकमेंड करोगे? हाँ जरूर करूंगा भाई, जब आए हो तो एक्टिविटी करना बनता है। हाँ, और कुछ भी ना छोड़ो जो कर सकते हो। वर्थ है। हाँ। क्योंकि बार बार ये मोमेंट नहीं मिलेगा ना, ये टाइम मिलेगा। अभी भी ज्यादा तंग करे तो फैमिली के साथ आओ तो ज्यादा अच्छा है, पर ऐसे ही बच्चों के साथ बिल्कुल बिल्कुल नहीं आना। बोल रहा हूँ कि मैं गोदी में बैठा के ले चलता हूँ, नहीं पापा नहीं जाऊंगा। बहुत ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो एक्टिविटीज़ करते करते बच्चों को भूख लगाई थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया है और अब बच्चे पहाड़ों वाली गर्मा गर्म मैगी इंजॉय कर रहे हैं। मुझे मैगी उतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ, बाकी सब ने मैगी इंजॉय की। कृष्णा, कृष्णा क्या हो रहा है? इधर देख के एक बार देख के बोलो। ऐसे बोलो पहाड़ों वाली मैगी। एक रानी तब आना, रुक जा, एक तो गुदू ने खा ली, एक और खानी है तो खा ले गुदू। गीले सील रहे, ठंडे लग रहे गुदू। कृष्णा आप छोटे बच्चे को लाओ, आप ना मैं लेके आता हूँ। ये छोटा बच्चा गया, मैं वो एक फोन डाल दो, ये ऐसे दे दो, तुम्हारा हाथ ऐसे दे दो इसे, वो देखो गिर ना जाए। मैं एक सेकंड, तुम ये नहीं गिरेगा, चेन ही तोड़ दो। चलो चलो चल, छोटे मोड़ के चला। The Pope takes a poop and the President too, and the fancy Grand Thanker in his three-piece suit, the big fat General and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. The famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. But can the size of Canada can't spray away the truth? 'Cause even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Some days it's easy, other days it's hard. But if your system's working, thank your lucky stars. Nobody talks about it, not a word is said. If you're not pooping, then it means you're probably dead. The destitute and homeless have to do it, it's true. But even all the wealthy people gotta make do. And if you live long enough, it's happening to you.
चलो मैं तो करूंगा थोड़ा सा कोशिश, बैंड करो साथ में साथ में साथ में ये ओ आगे नहीं जाने, ये तो फिर गलत हो गया ना। हां ये यूं बस ये सही, ये आगे देखो ना, तो सब गाड़ी चलाते सब कैसे देखते हैं, आप आगे देखो बस। वाओ जाओ बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ऊपर रुक जाओ। हम लोग स्केटिंग कर रहे हैं, कितना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग स्केटिंग कर रहे हैं। मगर अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो उस वीडियो को देख के हमें पता लग रहा है कि पीछे से भैया हमें पकड़ के स्केटिंग करा रहे थे। ओ माय गॉड, बहुत मज़ा आया स्केटिंग करके। तो यही होती है वो मेमोरीज़, जो पल हमने पास्ट में जिए थे उनको आज देखकर हम लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, खुद अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। और कुछ सालों बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे वो इसको देखेंगे तो वो भी इस मोमेंट्स को, इन पलों को याद करके इन्जॉय करेंगे और खुश रहेंगे। पोस्ट दो कोई अच्छा सा। मैडम आप लोग फोटो खींचना ठीक है, खींचो 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 ये ये बहुत तेजी से। हाँ वाह वाह, ये क्रॉस करो पीछे से डंडे को क्रॉस, ये वाह झुको थोड़ा, ये बहुत अच्छी है ये। हाँ बहुत अच्छी है ये। तो अभी अभी हमने बहुत सारे स्नो एडवेंचर्स किए, हमने जिप लाइनिंग की, स्केटिंग की, ट्यूब राइड की, और सब में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा यहाँ का माहौल, यहाँ की वाइब्स ही कुछ और है। टू गुड टू गुड। हम लोग ना बस सोचते रह जाते लाइफ में ये करना है वो करना है, अपनी जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम खुद जीना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ना रियलाइज़ हुआ है मुझे कि क्या चीज़ हम खो रहे थे। तो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, अगर एडवाइस है मानोगे तो ठीक है, अदरवाइज इधर से सुन के इधर से निकाल देना, एक बार मनाली ज़रूर आना। एडवेंचर आप करो ना करो, इतना ज़्यादा सुकून यहाँ पर, इतनी ज़्यादा शांति, इतना ज़्यादा अच्छा माहौल है यहाँ का। अगर आप नहीं आ रहे हो ना तो आप कुछ मिस कर रहे हो, तो ज़रूर आना। इतने सुंदर यहाँ के माउंटेन है, वाइब्स इतनी अच्छी है, हर जगह स्नो ही स्नो, बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या पा लिया, क्या चीज़ हम मिस कर रहे थे जो यहाँ पर आके पूरी हो गई, मिल गई है वो चीज़। लाइफ में इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे, इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ के, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे। बेशक हम दोबारा आएंगे, मगर इस टाइम इस मोमेंट पे जो हम यहाँ से एक्सपीरियंस करके लेके जा रहे हैं ना, वो चीज़ लाइफ में कितनी बार भी आ जाए रिपीट कर ले वो नहीं होगी। तो ज़रूर विज़िट करना मनाली, और क्लीन रखना माउंटेन्स को, क्लीन रखना माउंटेन्स को, हाँ वादियों को लो। इतनी अच्छी जगह है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा अच्छी वाइब्स है यहाँ की, लोग इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बस कुछ टूरिस्ट लोग ये करते हैं कि पीकर पानी की बोतलें यहीं पे फेंक देते, कचरा गिरा देते, मैगी और खाना खा के यूँ ही छोड़ देते, तो प्लीज़ वो सब ना करें, खुद भी इंजॉय करें और दूसरों को भी करने दें। डस्टबिन लगे हुए हैं जगह जगह, तो उसके अंदर कचरे को फेंक के इतनी सुंदर जगह को स्पॉइल ना करें बिल्कुल भी। तेज और व्यू भी अच्छी है। मैं फ्रेंड्स को अपने आप को नहीं दिखाऊं, मैं भैया भैया कह रहे हैं हाँ, मुझे पहले भी शूट करा था वीडियो में। ये भैया है, इन्होंने ना हमें इतने अच्छे से टूर कराया सोलैंग वैली का,
बहुत अच्छे से इंजॉय कराया और पैकेज भी बहुत ही रीजनेबल दिलाया इन्होंने हमें, तो बहुत अच्छे है ये हमारी तरफ से, इनको भी बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और आगे जब आप कभी भी आओ तो भैया का नंबर और नाम वगैरह डिटेल दे देंगे, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते, प्राइस की बात इनसे ही कर लेना, हम भी बताएंगे। बहुत मजा आया, मैं तो इतनी सारी मेमोरीज लेके जा रही हूँ, दोबारा आएंगे मगर ये वाला एक्सपीरियंस ना फिर से नहीं होने वाला, तब नई मेमोरीज होगी, ये वाली माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफी सारी स्नो एक्टिविटीज हमने की, बहुत सारा फन किया, स्नोफॉल देखा, पहली बार इतनी सारी बर्फ़ देखी और फैमिली के साथ इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का, काफ़ी अच्छे अच्छे और नए नए लोगों से हम मिले। तो सोलैंग वैली में के लिए इतना ही, बहुत अच्छा दिन गया आज का हमारा, यहाँ पर हमने बर्फ़ में काफ़ी सारी रील्स भी बनाई हैं, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम निकल रहे हैं सोलैंग वैली से, क्योंकि रात में बर्फ़ की वजह से सफ़र करने से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है और वो काफ़ी डेंजरस होता है, तो साथ में हमारे छोटे बच्चे भी हैं, तो इसलिए हम लोग सोलैंग वैली से जा रहे हैं। पैराग्लाइडिंग हम लोग कर नहीं पाए अंधेरे की वजह से, तो वो किसी और ट्रिप पे करेंगे। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस होटल रूम। हेलो स्थान, इसको ठंड लग रही है बहुत तेज, बस पहुंच रहे होटल, पहुंच के नहीं वहाँ चाय वाली दुकान पे रुकवा लेना, क्या हो गया वो होटल के पास है जो। अच्छा फिर सामान, सामान क्या है, बैग? हाँ सामान है, चलो ठीक है, हाँ वहाँ चाय पी के फिर चल देंगे, फिर तो वहाँ फिर रूम सर्विस से बात करेंगे। नहीं ठीक है, ठीक है, भूख भी लगी है 24 में खाने की। अच्छा अब इतना तो करना पड़ेगा भाई, या तो इनको छोड़ा दो जब तक वो बताएगी। हाँ ऐसा कर सकता हूँ, अगर इनको प्रॉब्लम है तो इनको रूम में छोड़ के आ सकता हूँ। ट्रैफिक जाम ये रोड जम गए हैं और ये गाड़ियाँ चलाना इतना मुश्किल हो गया कि गाड़ी स्लिप कर रही है। हाँ क्योंकि हवा लगने से ना बर्फ जम गई है, स्लिपरी हो गई बहुत ज़्यादा और गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो गया है। मेरे जैसा तो ऊपर ही कहाँ पहुँच जाएगा अपना। हाँ देखो ना रोड बिल्कुल जम चुकी है, ऐसी चीजें ना एक्सपीरियंस से आती है, कोई ड्राइवर ही सीख के नहीं होती ऐसी चीजें। और उसके बाद हम बस रेस्ट करेंगे और कल हमें निकलना है दिल्ली के लिए, कल हमें निकलना है दिल्ली के लिए वापस, और 6 बजे की हमारी वॉल्वो है, तो बाकी का टाइम भी हमें यही लोकल मार्केट को ही एक्सप्लोर करते हुए स्पेंड करना होगा। तो कल शायद मॉल रोड जाए हम, तो कल मॉल रोड चेकआउट करेंगे और फिर उसके बाद बैक टू दिल्ली। तो आज के लिए ये वाला ब्लॉग यहीं पर, तो उसके बाद कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तो बाय बाय और गुड नाइट, हैव अ नाइस जर्नी, स्टे होम स्टे सेफ। और दिल्ली के क्या हाल चाल है हमें कुछ पता ही नहीं है, चलो पता लगाते हैं। हाँ बेटा क्या हुआ?